तारीख 19/1/69 बम्बई मानसरोवर सायंकाले सेठ जी के यहाँ श्री परम दयाल जी के प्रवचन हो रहे। मैं अभी समाधि में था, समाधि में क्या देखता है? मेरे दिल में सवाल आता है, फकीर चंद, वाई डू यू गो इन समाधि? क्यों ये बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, मुझे क्यों ये खबर पड़ा? वाई सोचता हूं, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। इसका कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि 20वीं सदी का आदमी हूं, इंटेलेक्ट बड़ी हुई है, लाइफ है। जब ये बाहर के एक्सटर्नल इफेक्ट से घबरा जाती है तो ये उस एक्सटर्नल इफेक्ट से बचना चाहती है। जिस तरह से सारा दिन इंसान काम करता हुआ जब थक जाता है, उसमें नींद में जाने का स्वाभाविक नेचुरल ट्रेंड आता है। वो मजबूर होता है सोने के लिए, कितना ही उसको रिश्तेदार अजीज से अजीज आदमी उसके पास बैठा हुआ हो, वो उसकी परवाह नहीं करता। करता है, अगर कोई डिस्टर्ब भी करता है उसको कहता है साउंड दे यार, सोने दे मुझे। क्यों? इसलिए कि सेल्फ है, ये लॉन्ग करता है किसी ऐसी जगह जाने को जहां उसको डिस्टर्बेंस ना हो। समझ तो मेरी बात को, मैंने क्या कहा? अब ये डिस्टर्बेंस जो है, ये लॉन्गिंग जो है, कब आती है? लाइफ को बात करो, जब दिन को थक जाते हो, तुम्हारी कर्म इंद्रियां काम करने से टायर्ड हो जाती हैं, तुम में नींद में जाने की क्रेविंग ऑटोमेटिक पैदा होती है। आज मैं ये सत्संग कराता हूं, अपनी आत्मा से पूछता हूं क्यों कराता है। मैं इस जज्बे में आया था, सर्च ऑफ गॉड, सर्च ऑफ ट्रुथ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मजहबों ने मुख्तलिफ किस्म के सजेशंस मिले हुए थे। किसी मजहब ने कुछ कहा, किसी मजहब ने कुछ कहा, किसी मजहब ने कुछ कहा, तो मैंने प्रण किया था कि जो कुछ मेरी समझ में आएगा बता जाऊंगा। आज मेरी लाइफ मेरे सामने आती है, माई ओन लाइफ,
छोटी उम्र में इसका ख्याल मिला था, इस भक्ति का। क्यों? उस वक्त तो मुझे मालूम नहीं था कि वाई आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिस लाइन। बचपन में तो मुझे ये पता नहीं था कि वाई आई एम बीइंग ड्रैग्ड दिस योग और भक्ति और ज्ञान। मुझे इल्म अब मुझे पता। पहली बात, जिस किस्म के माँ बाप के ख्यालात और संस्कार होते हैं वो बच्चे पर पड़ते हैं। समझ में बात? क्योंकि मेरी पैदाइश से पहले मैं अपने बाप के घर में शादी के 12-13 साल बाद पैदा हुआ, उनको लॉन्गिंग रहती थी औलाद की। तो जो औलाद के ख्वाहिशमंद होते हैं ये अमूमन साधु संतों के पास जाते रहते हैं। तो वो एक फकीर थे, उनके पास जाया करते थे। तो उनकी दुआ से, प्रसाद से मेरा जन्म हुआ। कुछ तो वो संस्कार थे, कुछ मेरी जो बर्थ प्लेस थी वो मेरी नानी जो थी उसके घर में हुई, वो थी विडो। तो वो डिवोशन हैबिट थी, बहुत थी। घर में ठाकर मंदिर मुंगट पूजा करना, कुछ वो संस्कार आए। और कुछ मेरी बचपन की शादी, छोटी उम्र की शादी की वजह से 13 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। 14.5 साल, 15 साल की उम्र में मैं गृहस्थ में फंसा। तो कुछ संस्कार थे और कुछ मेरी गरीबी, पावर्टी, और कुछ मेरे बाप की सख्ती। वो बड़े सख्त मिजाज थे। तो इन तमाम बातों से चूंकि घबराहट महसूस होती थी, ऑटोमेटिक इंसान की तबीयत का जो रुझान है ये रद्द करना चाहता है, पीस चाहता है। जिस तरह सारी दिन काम करने के बाद रेस्ट चाहता है आदमी, इस तरह से लाइफ की स्ट्रगल, कुछ पिछले जन्मों के कर्म, वो सब मिल मिला के इंसान की रोजान को इस तरफ ले जाते। नहीं समझ में आती? आज मैं सत्संग में क्या करना, क्या कहना चाहता, सत्संग किसे कहते हैं? जिसमें इंसान की मन के ऊपर जो बर्डन है, वो ख्यालात जो दुख का कारण बने रहते हैं, जिससे इंसान बोझ महसूस, थका हुआ महसूस करता है, उनको साफ किया जाता है। पढ़ो सत्संग, निकाला पढ़ो। सत्संग तीरथ राज प्रयाग, सत्संग तीरथ राज प्रयाग, गंग भगती बहन निर्मल धारा, गंग भगती बहन निर्मल संग
अब तुम देखो, आदमी तीर्थ जाता है, वहां नहाता है, नहाता है कि नहीं नहाता। तुम यूं देखो, जब तुम नहाओ, जिस वक्त पानी तुम अपने ऊपर डाल रहे हो ठंडा, उस वक्त तुम्हारे सेंसेशन ऑफ बॉडी सारी की सारी इकट्ठी हो जाती है। जब तुम पानी अपने ऊपर डालते हो, तुम्हारी फिजिकल जो सेंसेशन बाहर को निकलती है ना, उसमें कंसंट्रेशन आती है कि नहीं आती? कंसेशन कब आती है? जब जो बाहर के अनेक प्रकार के तुम्हारे ख्यालात हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो सत्संग में क्या होता है, इंसान अपनी वरीज लेके आता है, सर्टन किस्म के बोध उसके दिमाग पर होते हैं, उनसे वो वरीज होता है। तो सत्संग में उसकी वरीज का कारण रूट काज बताया जाता है कि वाई यू आर वरी, क्यों तुमको ये दुख है, नहीं समझ में आती है? तो मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ समझा वो ये है, मैंने बड़े बड़े महात्मा देखे, कोई महात्मा अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरी को पब्लिक को नहीं बताता। कोई महात्मा अपनी कमजोरी को पब्लिक को नहीं बताता। एक नौजवान लड़का जिसका करैक्टर 24-25 साल तक ठीक रहा, जिसका ब्रह्मचर्य ठीक रहा, वो डिवोशनल कभी नहीं होगा। वो भक्ति जिस तरह हम मंदिरों में करते हैं ना, भक्ति घंटी बजाते हैं साष्टांग, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वीकनेस नहीं है। तुम बच्चे मेरे पास हो, आई हैव मेरे पास, आई वर्क विथ सर्टन मिशन, सर्टन एम ऑफ लाइफ है मेरा सत्संग कराने का। वो क्या एम है कि अगर बच्चों को उनके करैक्टर के मुतल्लिक रखा जाए, उनके करैक्टर को बनाया जाए, वो विम्जिकल नहीं होंगे और ये स्पिरिचुअल मैडनेस जो है ये उनमें नहीं आएगी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया ये जो भक्ति करने वाले आदमी है मेरे जैसे, इनकी तारीफें करती है, मैं तारीफ नहीं करता। जब ट्रेंड आता है इंसान का टूवर्ड्स डिवोशन, वो नेचुरल इलाज है उसकी वीकनेसेस का, जो उसने कुछ अपने मां बाप के संस्कार से ली और कुछ अपनी गलतियों से ली। मेरे छोटे भाई राय साहब, मैं इस बात को जानता था, मैंने छोटी उम्र में से इसके करैक्टर का ख्याल रखा। मेरा अपना लड़का है क्या पद्म दंग, मैंने इसके करैक्टर का ख्याल रखा। नतीजा मेरा भाई यूथ में मेरी तरह डिवोशनल मैडनेस में नहीं आया। मैं कुछ कह जाता हूं
संसार को एक मैसेज दे जाता हूं। ये टेप रिकॉर्ड करा रहे हैं ना, कभी दिल्ली में ये कहीं सुनाएंगे, नहीं समझ में आए। अब चूंकि वो ओल्ड हो गया मेरा भाई, छोटी उम्र में, पिछली उम्र में सिकनेस आ गई, हेल्थ डिटीरिएट कर गई, अब उसकी ट्रेंड टूवर्ड इनसाइड जाना इट बट नेचुरल। समझ गए? तो मैं जो मेरे मिलने वाले हैं उनको कहना चाहता हूं कि अपने लड़के और लड़कियों के करैक्टर एंड हैबिट्स का को वाच करो। कुछ कहना चाहता हूं, जिस क्या कहना चाहता हूं, एक सर्टन मिशन लेके मैं दुनिया में आया हूं। वो मेरी मिशन क्या है? लाइन ऑफ एक्शन, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। मैंने देखा है जिन औरतों को लिकोरिया होता है, जिनको एनीमिया होता है, जिनके मेंसेस में इरेगुलरिटी होती है, जिन आदमियों को गिरियान होता है, जिन आदमियों को नाइट एमिशंस आते हैं, उनमें अशांति का आना कुदरती बात है। क्या कहा मैंने? तू समझ रही है बेटी? मैं चाहता हूं स्त्री जाति नौजवान लड़कियों का सुधार हो। नौजवान लड़कों का सुधार हो, यह है मेरा मिशन। दो आदमी मेरे सामने, एक मेरा भाई छोटा, एक मेरा लड़का और एक सुरेंद्र। वो डिवोशनल नहीं है। अगर वो डिवोशनल होता है किसी वक्त, तो वो होता है क्योंकि उसके मीन्स ऑफ लिविंग जो है वो कमजोर है। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आप लोगों को? सोचो मेरी बात। एक, अब मैं मिसाल देता हूं। मेरे एक मित्र हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि टेप रिकॉर्ड है। वो मेरे गुरु भाई भी हूं। उसका लड़का 9वीं जमात में फेल हो गया। वो उसका बाप मेरे पास आया, मैं फ्रीज करता, मुझे कहता मेरा लड़का फेल तो हो गया मगर भक्ति बड़ी करता है। क्या भक्ति करता है? मकान में बैठकर कृष्ण महाराज की मूर्ति रखी हुई है, छाने बजाता है, एक एक घंटा मस्ती में गाता रहता है। मैंने उसको बोला, दोस्त मुझे बहुत दुख है, तेरा लड़का बदचलन हो गया। समझ रही है? वो कहने का तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने कहा मुझे पता नहीं खराब है कि गलत है, तू जान। मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। कहने का इसका सबूत दे। मैंने कहा घर में जाके कह दे कि बाबा फकीर बड़ा अंतर्यामी है, जो आदमी योगी राज है, जो आदमी उसके पास आकर कुछ मांगता है उसकी दुआ पूरी कर देता है,
जाके क्या दे, मशहूर कर दे घर वालों को। वो आगे भी फेथ रखते थे, उसने जाके बड़ी मेरी तारीफ कर दी। ढाई महीने के बाद मैं फरीदकोट में स्टेशन मास्टर था, वो लड़का जब मैं समाधि से उठा वो मेरे आगे बैठा हुआ था, वो रोने लगा। मैंने कहा बच्चा क्यों रोता है? ताया जी मैं दुखी हूं। क्या दुख? कहने की एक दूसरी जात की लड़की वहां आया करती, हमारी जात और उसकी और है, वो मुझसे प्यार करती। मैंने अपने आप को खराब तो नहीं किया, मगर मैं अशांत बहुत रहता और दुखी रहता। मैंने उसको दिलासा दिया, मैंने कहा तू पढ़, तेरा बाप तुझको डॉक्टर बनाना चाहता है, डॉक्टर पढ़ जा, उस वक्त में आउट ऑफ कास्ट मैरिज हो जाएंगी, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी शादी उसी लड़की के साथ करा दूंगा। खैर वो चला गया, मैंने उसके बाप को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा ये बात है मेरा नाम न लेना, नहीं तो वो कहेगा मैंने कॉन्फिडेंस में मुझको रखा तो मेरा पर्दाफाश कर दिया। ड्राफ्ट करने पर मालूम हुआ कि वहाँ लड़का लड़की वो आया करती थी। तो हमारी अशांति का मुख्य कारण, तुम समझ रहे हो, मेन ये है। मैं ये कहना चाहता हूं संसार को, क्योंकि मैंने अपने आप को संत सतगुरु प्रोक्लेम किया है। सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। जब मैं कहता हूं कि मैं सतगुरु हूं तो मुझे कोई सुरखाब का पर नहीं लग गया, तुम समझते हो ना। ये जितने डिवोशनल हैबिट वाले हैं, अगर ये गुरु की हदायत में रहकर, ये है डिसीज्ड, आई वॉज डिसीज्ड। देखो मैं कितनी सजाई से बयान कर रहा हूं, मैं बीमार था, समझते हो कि नहीं। अगर इंसान बीमार होकर हकीम की दवाई जो खाता है उसके साथ अनुपान नहीं करता, उसको दवाई से क्या फायदा होगा? ये जितने आदमी डिवोशनल हैं, इनका ट्रेंड ऑटोमेटिक जाता है टूवर्ड, जिस तरह फिजिकल ट्रेंड जाता है टूवर्ड स्लीप, टायर्ड हुआ हुआ जिसम चाहता है टू रेस्ट, इस तरह मन जो है ये मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात से घबराया हुआ, मुख्तलिफ किस्म के विचारों से घबराया हुआ पीस चाहता है। तो उसकी घबराहट का कारण क्या है? एक कारण, उसकी जो डिजायर है वो काम के सेक्स की जो होती है, ये उसके माइंड को वीक करती है। समझ गए मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आपको? मेरे ये तजर्बे हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ, मैं फूल नहीं हूं। इस 82 साल की उम्र में मैं, सच पूछते हो, कभी तुम्हारे घर खाना खाया, कभी किसी के घर में खाया, मैं इसको ये समझता हूं दैट आई एम जस्ट लाइक ए डॉग, कुत्ते की तरह हूं। एक दरवाजे पर गया, टुकड़ा मांगा, खाया, दूसरी एक बात नहीं, मैं फील करता हूं, मगर मेरे पर एक ड्यूटी इंटरेस्ट किया कुत्ता ने, आई वॉन्ट टू डिस्चार्ज इट विद माई ट्रू कॉन्शियस, सच्चे दिल से मैं उसको डिस्चार्ज करना चाहता हूं। ये जो सेक्स के ख्यालात हैं गलत, मैं तुमको यहां स्त्रियों का गुरु बनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम जो लेडीज तुम्हारे पास आती हैं इनको करेक्ट लाइन ऑफ एक्शन बताओ।
अब इसका सबूत मैं देता हूं अपनी लाइफ। एक प्रिंसिपल नंदा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का 1942 में मेरे पास आया होशियारपुर। जब मैंने मकान अपना नए मकान में दाखिल हुआ तो वो मुझे कहता है, बाबा जी मैं अशांत रहता हूं। उसके एक लड़का एक लड़की नहीं समझ में आती, वेल बिल्ट, शरीर उसका बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं थी, मगर वो अशांत रहता था, 700-800 तनख्वाह लेता था, गरीब पॉवर्टी भी नहीं थी, फिर भी वो अशांत रहता था। मैंने उसको देखा, मैंने कहा अकेले मेरे पीले मोहन साथ थे, मैंने कहा तुम डिबाटरस हो। उसको बड़ा गुस्सा आया, मुझे पता नहीं था ये प्रिंसिपल है, मैंने समझा कि मामूली दुकानदार है, धोती पहनी हुई, उसका मलमल का कपड़ा पहना हुआ। उसको गुस्सा आकर कहा, पंडित जी आप झूठ बोलते हैं। मैंने कहा क्यों? कहता मेरी बाप मर गया, मेरी माँ ने अपनी प्रॉपर्टी बेचकर मुझे एमए कराया और वलायत भेजा, 26 साल के बाद आकर के मैंने शादी की, लव मैरिज, 26 साल तक जब तक मेरी शादी नहीं हुई मैं तुमको सच, उसने कहा कि मैं कसम से कहता हूं कि मैंने किसी आरोप को हाथ नहीं लगाया और ना मैं अपना ब्रह्मचर्य खोया। आप कैसे कहते हैं? मैं गिरा हुआ आदमी। मैंने कहा मैं ये नहीं पूछता, तुम मुझको बताओ स्कूल में तुम क्या थिंक करते रहे हो, क्या सोचते रहे हो, सच बोलो। वो कहने लगा एक बात मैं करता रहा हूं। क्या? क्या? एक फोटो होती है आजकल भी, ये नौजवान लड़कियों के पास एक ऐप है, 40-50 फोटो थी औरतों की, किसी का सिर नंगा, किसी की छाती नंगी, किसी के चित्र नंगे। कहते मैं रोज 8 घंटा उन फोटो को देख के अपना मनोरंजन किया करता था। मैंने कहा वो जो तुमने मनोरंजन किया हुआ है वो तेरे ब्रेन की सूक्ष्म से सूक्ष्म जो प्रकृति थी वो डाउनफॉल हुई, अपनी जगह को छोड़ के नीचे आई। दिस इज द मेन कॉज ऑफ योर अशांति। सोच लो ये तुम्हारे सामने बैठा है नंदराज, इसको मैंने ब्रह्मचर्य की तालीम दी, इसकी माँ की बूढ़ी, मैंने कहा बेटा शादी मत कराना, माँ की सेवा करते रहना। इसने शादी नहीं कराई, माँ 82 साल की होकर मर गई। ये कहता है मुझे चिंता और फिक्र या अशांति कभी सपने में नहीं आती। आए कहते तुम लोग सत्संग में आते हो, तुमको भी कहता हूं क्योंकि ये टेप रिकॉर्ड करा रहा है, दिल्ली में जाएगा, कई आदमी सुनेंगे, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग से इंसान को वो समझ दी जाती है, बिन सत्संग विवेक न होई, अल राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अमीर कुछ और चीज है, जितनी फॉरेन कंट्रीज के आदमी में अशांति है हिंदुस्तान में इतनी नहीं है। वो शांति की तलाश में दौड़ते फिरते हैं, 30 आदमी अमेरिका से आ रहे हैं इसी सर्च के लिए। क्यों ये बात है? क्योंकि हम लोगों को करेक्ट लाइन ऑफ एक्शन नहीं आता। आप समझ गए मेरी बात को? अशांति का मुख्य कारण क्या है? ये जितने डिवोशनल हैबिट वाले आदमी हैं जो बहुत सिर मारते हैं,
मेरे अंदर देवी आ गई, मेरे अंदर देवता आ गया, मुझको फलानी चीज, ये सारे के सारे मेंटली डिरेंज्ड पर्सन हैं। और ये मेंटल डिरेंजमेंट क्यों आती है? इसलिए कि उनका जो माइंड है ये लक्ष्य में आता है। लक्ष्य सेक्स की भी लक्ष्य है, दुनिया की साधो सामान। मैं डिप्टी कमिश्नर बन जाऊं, मेरे ऐसे ऐसे मकान हो, मेरे ऐसे ऐसे महल हो, नहीं समझ में आती है। दुनिया की आशाओं के जो बड़ा बड़ा सामान है, इसकी डिजायर्स का जो चस्का है वो भी लगता है। काम काम सब कोई कहे, काम न कीने को, जितनी मन की कल्पना काम कहावे सो। तो इंसान की अशांति का मूल कारण क्या है? एक्सट्रीम डिजायर ऑफ एनीथिंग। मेरे ये लफ्ज कहे हुए तुम्हारे लिए फायदा मंद होंगे जिंदगी में। क्या नाम है आपका सेठ साहब? डोंगरमल, मिस्टर डोंगरमल। बढ़िया समाधि लगाता, मुझे तो पता नहीं था। उसका एक दोस्त है जो वैद है, वो उसके पास गया करता है, उससे स्वप्न दोष की दवा पूछा करता है। तुम समझ रहे मेरी बात को, मैंने क्या कहा? शब्द था पड़ोस कड़ी के, क्या है? सत्संग तीरथ राज प्रयाग, सत्संग गंग भगती बहन निर्मल धारा, गंग भगती बहन निर्मल धारा, सरस्वती ज्ञान बैराग, सरस्वती ज्ञान सत्संग में क्या मिलता है? वो ख्यालात दिए जाते हैं, जिससे जो ख्यालात तुम्हारे दिमाग पर पड़े हुए हैं, जो तुम्हारी अशांति या दुख का कारण बने हुए हैं, उनको वॉश आउट किया जाता है। जिस तरह पानी के नहाने से मैल उतर जाती है ना, तो सत्संग के वचनों से, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग से क्या मिलता है? रॉन्ग आइडिया, गलत सजेशन दिमाग पर। ये मेरा तजर्बा है अपना। मैंने 1905 में नाम लिया, 1916 तक, हालांकि मैं बड़ा फारा डिवोटी टू दाता दयाल था। आई वॉज द एक्सट्रीमस्ट लवर ऑफ माई गुरु। प्रेम के रंग में मैं नाचा करता था, नहीं समझ में आती है, प्रेम के रंग में मैं गाया करता था, मगर मुझे शांति नहीं थी। नहीं समझ में आती है, कुदरत ने मेरा इंतजाम कर दिया। क्या? मैं बसरे बगदाद चला गया 12 साल। वो जो 12 साल का मेरा पीरियड था, क्योंकि मुझको इस पद का ठड़क था और दाता दयाल से प्रेम था, मेरे साथ मेरा भाई रहता था, राय साहब, परशोत्तम दास रहता था, दुर्गा दास संगी रहते थे, मैं 12 साल में बसरा शहर नहीं देखा, बगदाद शहर नहीं गया,
क्योंकि वहां ब्यूटी ज्यादा थी। इस मन का, तुम नौजवान हो, अपने मन की हालतों को देखो तो सही, तुम्हारा मन 24 घंटे में करता क्या रहता है, नहीं समझ में आती है। वो जो 12 साल का मेरा ये सेलिब्रेशन थी और मेरे माइंड की पेरिस थी, उसने मुझको पीसफुल बना दिया, शांत बना दिया, शांत। क्योंकि आगे औलाद नहीं थी, दाते ने कहा फकीर अब अभ्यास से ब्याज छोड़ो, संतान पैदा करो। मैं वापस आया, मैंने संतान को संतान के ख्याल से पैदा नहीं किया, मैं गृहस्थ में ज्यादा रंपत हो गया, बेवकूफों की तरह, जिस तरह से आजकल के नौजवान बच्चे लड़कियां लड़कियां रंपत होते हैं। वो जो मेरी पीस थी वो चली गई, वो मेरी पीस चली गई, पीस। समझ में नहीं आता था कि क्या, क्यों, वाई आई हैव लॉस्ट माई पीस ऑफ माइंड। समझ गए मेरी बात को कि नहीं? फिर मेरे दिल से ये ख्याल आया कि दिस इज द डिफेक्ट इन मी, आई कंट्रोल माई सेल्फ, इट टुक सम टाइम बट आई बिकेम सक्सेसफुल। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आई एम टूडे वन ऑफ द ब्लेस्ड सोल हु हैज गॉट पीस। समझ गया मेरी बात को कि नहीं? आप लोग में से कई आए हैं, सत्संग में जाने से क्या फायदा, बसेरे सत्संग होते हैं। अगर सत्संग में जाकर तुमको लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिलता, तुमको सही जीवन गुजारने का तरीका नहीं मिलता, तो क्या फायदा? तो एक तो हमारी अशांति का ये कारण है, समझ गए। दूसरा कारण हमारी अशांति का है हमारी इल हेल्थ। इल हेल्थ का कारण है हमारा अपनी टंग पर कंट्रोल ना होना। हम अपने ऊट पटांग खाते रहते हैं, डाइट को अंडर कंट्रोल नहीं रखते, नहीं समझ में आती है हमारी खुराक गलत। मैं आया ना यहां, आप लोगों ने तो उतनी मेरी सेवा की जो शायद कोई किसी राजे को भी ऐसी खुराक नहीं मिलती जैसी आप लोगों ने की, ठीक है ना। मगर वो जो खुराक थी वो मेरे माइंड के लिए सूटेबल नहीं। इंसान का जो जैसा वो खुराक खाता है उसका वैसा मन बनता है। इस वास्ते खुराक में सतोगुण रजोगुण तमोगुणी खूब होती है। जो आदमी पीस चाहते हैं उनको अपनी खुराक को ठीक करना चाहिए। तो जो पीस चाहते हैं उनके लिए ये है, भाई मांस शराब ना भी खाओ, नहीं समझ में आती है, ज्यादा तमोगुणी चीजें ना खाओ, बासी चीजें मत खाओ, नहीं समझ में तुम्हारी बात आती है। तो हमारी अशांति का ये कारण है। आप लोग सत्संग में आए, मुझे नहीं पता आप क्यों आए, मैं अपनी एक ड्यूटी समझता हूं, एक फर्ज समझता हूं। जो सत्संग कराने का असली ऑब्जेक्ट है मैं वो बताता हूं, ताकि जो आदमी मेरे संपर्क में आते हैं उनको शांति मिले, उनको पीस ऑफ माइंड मिले, उनको हेल्थ मिले, उनको वेल्थ मिले। समझ में बात आती है कि नहीं आती है? अब तुम देखो वेल्थ कब मिलती है, हेल्थ का तो मैंने आपको बता दिया, वेल्थ कब मिलती है? जो कुछ किसी को मिलता है वो उसकी अपने ख्याल की ताकत होती है, डिजायर होती है, नहीं समझ में आती है। जिसकी हेल्थ नहीं वो वेल्थ भी नहीं कमा सकता। ख्याल है तुम्हारा, कल ही मैंने सत्संग में बोला था, तुम्हारा ख्याल है, अपने ख्याल को ऑप्टिमिस्टिक रखो। आपकी मिस्टेक,
आपकी मिसाल था ना आशावादी, कमजोर ख्याल तुम कभी मत लो। फेथ या तो अपने सेल्फ पर करो, आई विश आई विल आई कैन, या तो ये करो, मगर ये मुश्किल है। इस वास्ते उसको सहारा दो, राम का दे दो, कृष्ण का दे दो, गुरु का दे दो। नहीं समझ में आती है, तुम्हारा जो फेथ होगा, तुम्हारा जो विश्वास होगा वो काम कर जाएगा। जिसका तुम्हारा भाई है आरती शर्मा है क्या तुम, उसका मुझ पर फेथ ही बैठा ना, कुछ और तो नहीं बना। अमेरिका जा रहा था, समझा मेरा मतलब नहीं, क्योंकि उसके दिल में अपनी वीकनेस ऑफ यानी वेल्थ की कमी का उसके अंतर में एक फीलिंग्स थी, तो उसकी वीकनेस का असर मेरे दिमाग पर पड़ा। मैंने अपनी पॉकेट से इनके सामने एक रुपया निकाला, उसमें लिख दिया लख टू मिस्टर आई सी शर्मा नीचे दौड़कर। अब उसका चूंकि फेथ था कि बाबा ने मुझे ये दिया है, हजार हजार रुपया वो कमा के कमा गया। आप ही ने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा। अब मैं ये सोचता हूं कि मैंने हजारों आदमियों को लख टू कीपर या लख टू सर्टिफिकेट मैं लेके दिया है, सबको क्यों नहीं, सबको लाखों हजारों रुपया क्यों नहीं मिल गए, उसको क्यों मिल गए। देखो ना, मैं बड़ा मैं आई डोंट वॉन्ट ए फॉल्स नेम एंड फॉल्स रिस्पेक्ट दैट आई हैव डन दिस आई हैव डन दिस। नो, इट इज दाई ओन फेथ, ये तुम लोगों का अपना ही विश्वास काम करता है, मेरा नहीं करता। मेरी गुड विशेस हैं इसमें कोई शक नहीं, मगर अगर दूसरा रेसिपेंट नहीं है तो फिर क्या करना है। तुम सत्संग में आयो, तुमको विवेक देता हूं, समझ देता हूं, क्या फेथ रखो। हमेशा ये यकीन रखो कि यू विल बी सक्सेसफुल। अगर तुमको फेलियर होता है, कई कहते हैं जो हम बड़ी कोशिश करते हैं फेलियर होता है। जो आदमी दूसरों के क्रिटिक होते हैं, जो आदमी दूसरों के क्रिटिक होते हैं, क्रिटिक जानते हो ना, उनको फेल होगा। मेरे छोटे भाई राय साहब क्रिटिक हैं, आप समझ रहे मेरे 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 भाव को कि नहीं है। ये मौजूदा जो है ना इस जमाने की आबो हवा, ये हमको क्रिटिक बना देती है। हमको दूसरों से कोई गर्ज नहीं, किसी को कोई ना गलती खाई, कोई कुछ करे, हमको क्या। हमको अपना मींस अपना ख्याल रखना चाहिए। मैं क्रिटिक नहीं, ये ठीक है कि मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं, मगर मैं लाखों पति आदमियों से ज्यादा शांत हूं जिन्हें के पास लघु खा रुपए हैं ना, उनसे मैं ज्यादा पीसफुल हूं। मेरा मन जस्ट लाइक ए किंग है, शहंशाह समझता हूं अपने आप को। कोई चीज होती है ये नहीं सोचता कि कल के लिए मेरे पास है जाके नहीं, उठा के दे देता हूं, मुझे मिल जाती है। तो अगर कोई शख्स धनी होना चाहता है, एक तो क्रिटिक ना रहे, एक हमेशा देता रहे, गिव। ये मेरे छोटे भाई ये देते रहे हैं। मैंने बगदाद में देखा है, कोई गरीब इनके पास आया, इन्होंने कभी इनकार नहीं किया, देते रहे, और भगवान ने इनको बहुत काफी दिया, अब भी देता रहता। तो
आज टॉपिक है सत्संग का। सत्संग में क्या मिलता है? जीने का राज मिलता है, विवेक मिलता है, समझ मिलती है। हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? एक ये गुरु के पास, गुरु बताता है। एक मिसाल बताता हूं। कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं मगर रेख में मेघ बच जाती है, वो कैसे? एक कहावत है, सच्ची है कि झूठी है मुझे पता नहीं, मगर हम उससे सबक लेते हैं। एक वजीर था, उसका एक लड़का लड़की था, उसका एक गुरु था जो साधु जंगल में रहता। वो अपने लड़के लड़की को जंगल में ले गया, तो उसने कहा, महाराज जी मेरे लड़के लड़की का भाग बताइए। साधु ने कहा, ऐसी बातें नहीं पूछा करते। वो जिद कर गया क्योंकि प्रेमी था। उसने कहा, फिर पूछते हो साचा कि हाँ ये तेरी लड़की वैश्या बनेगी और लड़का कस्यारा बनेगा। अब वजीर के पांव के नीचे से मिट्टी निकल गई। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? वो दुखी हुआ। उन्हें कहा, दुखी मत हो, जब वक्त आएगा मैं इनकी मदद कर दूंगा। वजीर चला गया। उस वक्त छोटे छोटे राजे होते जो किसी दूसरे राजा ने अटैक किया, वजीर मारा गया, उसकी औरत भी मारी गई, राजा भी मारा गया। दूसरे राजे ने आके उसकी उस शहर पर कब्जा कर लिया। वो बच्चे थे, वो आवारा हो गए। लड़की जो थी उसकी रोटी का कोई सामान ना मिला, वो वैश्या बन गई और लड़का जो था वो किसारा बन गया। काश खोदता बाजार दे आता घोड़े को। अब उस फकीर का अंत समाया। अंत समा जानते हो ना, आखिरी उमरा वक्त आया। उसने बोला, अभी मैंने वादा किया हुआ था वजीर के साथ, चलो उसके गांव में। उस गांव में आया, वहां विराज किया। उस लड़की के पास गया, उसने कहा, तू मुझे जानती है? उसने कहा, मैं जानती, इतनी छोटी होती थी, मुझे याद है। तो वह जंगल में साधु के पास गए थे, खबर नहीं आप हैं जब कोई आता। उन्होंने कहा, मैं ही था। फिर पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार तेरे किस्मत में रोज नया पुरुष है, इसको मैं नहीं बदल सकता। फिर तू अपनी फीस ज्यादा लगा दे, जगह बदल दे। तेरी किस्मत में नया पुरुष जरूर है, जितना पैसा आता है उसको गरीबों को दान किया कर, खुद भी खा जमा मत कर, तेरा अगला जन्म बन जाएगा। इस जन्म में भी भूखों से बच जाएगी, ये तो तेरा प्रारब्ध कर्म है कि भोग भोगने से चलता है। लड़के को उसने बोला कि तेरी किस्मत में काश खोद कर रोज नए घोड़े को देना है, तू अपना घोड़ा एक ले ले, उसको काट खोद के डाल दिया, दूसरे दिन तेरा काट खोदा हुआ नया घोड़ा खाएगा, उसको ज्यादा कीमत पर बेच दे, घोड़ों का सौदागर हो जा, जो पैसा आता है दान करो। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे साथ क्या किया दाता ने? आप हमको देखिए, मैं और मेरे भाई सफाई की लड़की, वो 12 रुपया तनख्वाह लेकर रिटायर हुआ, 6 रुपये पेंशन मिलती थी उसको। ये दाता की दया रेख में माफ रेख मारती। आज मेरी क्या पोजीशन है, मेरे भाई की क्या पोजीशन है, सोचो। मैं कोई पढ़ा हुआ हूं, कोई एमए हूं, कोई लायक हूं, कोई मैन ऑफ पोजीशन हूं, कितनी मेरी रिस्पेक्ट। इस वास्ते किसी कामल इंसान की सोबत में रहना, उसके हुक्म को मानना,
ये बहुत जरूरी बात है। ये है गुरु मत। गुरु क्या करता है? गुरु हर शख्स की प्रकृति को देखकर, हर शख्स के सर्कमस्टेंसेस को देखकर उसको सजेशन देता है, राय देता है कि बरखुरदार तू ये काम कर। मेरी सारी जिंदगी इसी खबत में गुजरी। मैंने जो कुछ भी किया, जो दाता ने मुझे कह दिया ये करो बहुत अच्छा, और मैं जिंदगी में काम जा रहा। तो सत्संग के मैंने क्या है, गंगा ले ख्यालात, जमुना दुनिया के व्यवहार के ख्यालात, सृष्टि ज्ञान और वैराग के ख्यालात। तो सत्संग में जाकर जीव को अपना व्यवहार कैसे करना है, नेकी कैसी करनी है और ज्ञान कैसे हासिल करना है, ये सत्संग में विचार दिया जाता है। मगर दे वो सकता है जो गुरु कोई हो। जिस तरह से आजकल के हकीम और डॉक्टर, उनको एलिमेंट्री नॉलेज जिस्म का नहीं है, किताबों के नुस्खे पढ़ के बता देते हैं। बीमार को अगर लग गया तीर तक तुक्का, चांद से बच गया, उस बीमारी से हो गया, अगर वही डॉक्टर उसका सारा खून सब कुछ टेस्ट करके उसको दवाई देगा, वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए बार बार लिखा है, आजकल गुरु जो है जो कस्बे मुआश है, कस्बे मुआश जानते ना, रोटी कमाने का आप हम गुरुओं ने एक तरीका बनाया हुआ है कि चलो और कुछ नहीं तो फरोले कपड़े पहन लो, गुरु बन जाओ। जी बेचारे तो भोले फाले, इनको क्या पता गुरु कौन है कौन नहीं। किसी के अंदर बाबा फकीर का रूप प्रकट हो गया तो उसने आके कह दिया बाबा फकीर बड़ा करने वाला है। नहीं समझ में आती है। आज किसी दिन ने कहा कोई आदमी आया था, उसके अंदर कहीं मेरा रूप प्रकट हो गया। मैं कहाँ जाता हूँ दीवाने, कहीं नहीं जाता। ये सब तुम्हारा अपना ही मन का खेल और मन का तमाशा है। तमाम जीव दुनिया में इस मन के चक्कर में आकर के गुमराह हो गए, फंस गए। तो सत्संग से क्या मिलता है, क्या मिलता है? जमुना, गंगा और सरस्वती। जमुना क्या है? दुनिया के हमारा कारोबार कर्म क्षेत्र। गंगा क्या है? हमारी नेकी करनी, ये करना, ऐसा करना, धर्म करना, पुण्य करना, ये है। और सृष्टि क्या है? वो विचार जिससे तुमको शांति मिले। तो सत्संग से ये चीजें प्राप्त होती हैं। नहीं समझ में आती? मैं नाम नहीं देता आपको। देखो मैं डिग्री होल्डर हूं, अपने गुरु महाराज की तरफ से नाम देने, जिस तरह चेले बनाने का मुझे ऑर्डर है। तू तो आया नरदेही में तर फकीर का पैसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के बेचा। तीन साहब से जीव दुखी है निबला बल ज्ञानी, तेरा काम दया का भाई नाम दान दे दानी। मुझको नाम देने का ऑर्डर है कि नहीं है? है। बाबा सावन सिंह ब्यास वालों के पास में गया, उन्होंने भी मुझे कहा ये काम कर। मगर मैं इस तरह से चेले नहीं बनाता जिस तरह ये गुरु चेले बनाते हैं और अपना चेला बना लेते हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इस तरह चेले बनाने से किसी को फायदा नहीं पहुंच सकता। मैंने 1942 तक इसको नाम दिया, उससे पहले इसको नाम दिया, इसके भाई को नाम दिया, 2-4-10 आदमी और थे। 1942 के बाद मैंने नाम नहीं दिया। आप हैरान होंगे क्यों नहीं दिया। तुम आए हो मेरे पास, तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। मेरी बात सूक्ष्म बहुत है, हर एक आदमी समझना जरा मुश्किल है। मेरे साथ एक वाकया गुजरा। एक औरत जबलपुर से 3 बच्चों को साथ लेकर, उसका खावन पहले गई होशियारपुर। मेरी औरत ने कहा कि बाबा तो भाई फिरोजपुर में है। वो 3 बच्चों को लेकर वो औरत इंस्पेक्टर साहब
टेलीग्राफ की मेरे पास फिरोजपुर आई। उसकी औरत जो थी वो अभ्यास करती थी, लाल रंग के सूरज में मेरा रूप उसके अंदर प्रकट होता था और शब्द सुनती थी। वो आके मुझे कहती है, दादा दयाल ये तीन बच्चे मुझे तंग करते हैं, अभ्यास नहीं करने देते, कुछ नहीं करने देते। मेरा खावंद सुबह जाता है, रात को 8 बजे आता है। इसको कहो मेरे बच्चों कुछ इनकी संभाल क्या करे, मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए। उसका खावंद 8 बजे जाता है, रात के 8 बजे ड्यूटी से पहले आ नहीं सकता था। मैंने कहा तेरी सास है कहेंगे नहीं, तेरी नंद है नहीं, तेरी माँ है नहीं। क्योंकि मुझे ये यकीन है कि जो आदमी अभ्यास करता है अपने अंतर में कंसंट्रेट करता है, क्योंकि उसके कंसंट्रेशन करने से उसकी विल पावर बढ़ जाती है, तो जो कुछ वो सोचता है जो कुछ वो चाहता है वो पूरा होना चाहिए। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये इतनी अभ्यासन है, इसकी विल पावर में स्ट्रेंथ है, ये बच्चों की तकलीफ से बचना चाहती है और उस तकलीफ को दूर करने का कोई और अल्टरनेटिव नहीं। तो मैंने वली राम हकीम मेरे पास था, ये मेरे तजर्बे हैं जिंदगी के। तो मैंने उसको बोला, अभी वली राम मेरा इल्म कहता है कि तीनों बच्चे मर जाएंगे, तुम समझते हो कि नहीं। उन्हें कहा ये क्या, मैंने कहा मेरा इल्म है। तो जब वो चली गई तो 9 महीने के अंतर उसके तीनों बच्चे मर गए। चिट्ठियां आई, मैं कांपा, मैंने कहा फकीर चंद इन बेवकूफों को जिनको सत्संग की किया नहीं, इनको सच्ची लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिला, सच्चा तरीका नहीं मिला जिंदगी गुजारने का, व्हाट टू थिंक व्हाट नॉट टू थिंक, क्या सोचना है कैसे, तो तू तो इनको नाम देता रहेगा, ये अभ्यास करेंगी औरतें मर्द, ये अपने गलत ख्याल से अपना नुकसान कर लेंगी। मैंने नाम नहीं दिया, कांप गया। मैंने कहा ये महापाप है, नहीं समझ में आती है। इस वास्ते सबसे पहले सत्संग की महिमा है, कछुक बिना कीजे सत्संगा होई मान मद मोहे अभंगा। कुछ दिनों सत्संग करके पहले ये समझो अपने डिजायर अपने ख्वाहिशात अपनी वासनाओं को ठीक करने का पहले तरीका सीखो, फिर नाम जपो। वरना ये नाम जो है, नाम जिसको आज राजा स्वामी मत वाले ये नाम देते हैं, ये नाम सत्संगियों को खा जाएगा। मैंने क्या कहा, खा जाएगा। और यही बात जिस पाप जात ने राधा स्वामी मत चलाया है, राय साहब राय सालग्राम हजूर मौलाना मुकद्दस आगरे वाले, उन्होंने अपनी प्रेम वाणी में लिखा है कि जिन आदमियों के मन गंदे हैं, ईर्ष्या द्वेष बोझ हसद कीना उनके दिलों में रहता है और वो अपने गंदे ख्यालात को रोकना नहीं चाहते या रुकते नहीं हैं, उनको चाहिए कि बिल्कुल ये शब्द अभ्यास जो है ये बिल्कुल ना करें, वरना उनका अधहद नुकसान होगा। यही बात हिंदू शास्त्र में लिखा है कि गजत्री का ये मंत्र जो है, अगर शूद्र सुन ले तो उसके कानों में सिक्का भर दो। शूद्र कौन है, जिसके मन गंदे हैं, जिसके दिल में द्रोह है, दूसरों से नफरत है, द्वेष है, बोध है, ऐसे आदमियों को नाम नहीं रखना चाहिए। उनको चाहिए सत्संग करें, ताकि सत्संग से उनके कुछ मन साफ हो जाएं। सत्संग में होता क्या है, जो गलत ख्यालात गलत विचार
रॉन्ग सजेशन जो दिमाग पर पड़े हुए होते हैं सत्संग के वचन सुनते रहने से क्या होता है, क्लैरिफिकेशन हो जाती है और आदमी को पता लगता है कि वो आई एम रॉन्ग, मैं कहाँ गलती खाता हूँ कहाँ गलती नहीं खाता। तो ये है आज था सत्संग की बोलती। मैंने बहुत कुछ आपको सत्संग की महिमा बयान कर दी। महिमा तो सब दुनिया कहती है सत्संग बड़ा है सत्संग बड़ा है। कैसे बड़ा है? सिर्फ सत्संग के मैंने ये तो नहीं है कि तुम मेरे पास आके बैठ के छाने ले लिए, समझाए का मतलब मैंने छाने खड़का दिए, ये सत्संग है नहीं। सत्संग है दर्शन करे वचन पुनि सुनने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कड ले तिस सारा, कड सार तिस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय राज सब गई गई। तो सत्संग के क्या फायदा होगा आपको? आपको समझ आ जाएगी कि हमने दुनिया में अपने मन को क्या कैसे कैसे ख्यालात सोचने हैं, कैसे कैसे हमने अपने मन में विचार रखने हैं। नहीं समझ में आती है तो तुमको जो कुछ मिलना है तुम्हारे अपने थिंकिंग, तुम्हारे अपने विचार, तुम्हारी अपनी वासना का फल मिलना है। गुरु ने तुमको ज्ञान देना है, गुरु ने तुमको सच्चा रास्ता बताना है, समझते मेरा बात। बाकी जो कुछ तुमको मिलना है ये तुम्हारा अपना फेट, ये तजर्बा मुझको हुआ। मैं डरता हूं पिछले खोटे कर्म किए हुए आज हम भुगतते हैं। अगर मैं आज इस गुरु पदवी पर आकर तुम लोगों से सच्चाई नहीं बयान करता और अपना मान चूठा ले जाता हूं कि हाँ बाबा फकीर अफ्रीका में प्रगट हुआ, फलाने के अंतर प्रगट हुआ, फलाने को मरते समय साथ ले गया, फलाने ने ये काम कर दिया, क्योंकि इन रियलिटी में मैं नहीं चाहता। अगर मैं प्रिटेंड करके फाल्स नेम फाल्स धन फाल्स सूरत ले जाता हूं तो मैं मुजरिम हूं, आई एम क्रिमिनल। इसका मुझे सबूत क्या है? मैं हूं ब्राह्मण, अवागमन को मानता हूं, अवागमन को मानता हूं। तो एक हमारे हरबिलास साहब सेक्रेटरी हैं, इनके एक बड़े मित्र हैं, पंडित हैं वो, उनके पास वेदांत का है। इनके लड़के का टेवा भी वहां दिखाया, उसके सारे हालात ठीक निकले। वहां लिखा कि इसके लड़के ने पिछले जन्म में ये गलती खाई थी जिसकी वजह से उसको ये तकलीफ है। समझो अगर कोई और पंडित कहता तो मैं मान लेता वो झूठ है, मगर वो जो कहने वाला है उसने भिगु संस्था से उसका पत्रा निकाला और वो इनका अपना प्रेमी है, वो इसको झूठ कैसे बोलेगा? अब मेरी बात को समझ में आती है कि नहीं? इस वास्ते मुझे यकीन है कि जो जो हम कर्म करते हैं पिछले जन्म के या इस जन्म के, उनका हम दिमाग पर असर रहता है और हमको उसकी सफरिंग का आना जरूरी बात है। इसलिए मैं डरता हूं, पर्दा रखता हजारा रुपया ले जाता आप लोगों से, माफ करना, जितनी जितनी करामातें मेरे हाथ से हुई हैं, मार अफ्रीका में मेरा रूप प्रगट हुआ, अमरीका में प्रगट हुआ, क्या कुछ दुनिया में होता है, किसी को पुत्र दे जाता है, किसी को कुछ दे जाता है, किसी को, मुझे कुछ पता नहीं। मैं कर्म से कहता हूं आपकी मर्जी चाहे मेरी सेवा करो, आपके जी चाहे मेरी सेवा ना करो, मैं इस चार दिन की जिंदगी के लिए आई वॉन्ट टू सेव माई नेक, मैं अपनी जान को आप बचाना चाहता हूं। पिछले किए हुए हम आज भुगतते हैं, हम एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, कोई खावन बनता है, कोई बेटा बनता है, कोई बेटी बनती है, जितना जितना हम तुमने हमने तुमको लेना देना है उतना उतना भुगतान भुगतता है।
ये मेरा तजर्बा है, मैं कोई बात वो नहीं कहता जो गलत। प्रेम प्यारी मेरी लड़की थी, मैंने बड़ी लड़की के वास्ते 40 तोले सोना दिया। प्रेम प्यारी की शादी पर मैंने सिर्फ 5 तोले सोना दिया। औरत मेरी मेरे साथ लड़ाई करती थी, मैं जवाब नहीं देता था। जब वो मकरावे जाने लगी तो मैंने कुछ नहीं दिया, औरत मेरी गल पड़ गई। मैंने कहा भगवान, 700 रुपया से लड़की का पिछले जन्म का मैंने और देना है, अब दे दे रिश्ता टूट जाएगा। मैंने इस रिश्ते को कायम रखने के लिए 700 रुपया इसका रखा हुआ है। प्रेम प्यारी को बोला, बेटी जब तू मकान बनाएगी अपना, अगर मैं धंधा रहा मैं दे दूंगा, नहीं तो परसोत्तम दास के पास मेरा अकाउंट रहेगा, इससे 700 रुपया ले लेना। बात आई चलेगी, और उसने मुझे पागल समझा, दीवाना है पागल है। वो बीमार हुई, अस्पताल में दाखिल किया गया उसको। मेरे जुआई की हालत कमजोर थी, 100-100 रुपया महीना मेरी औरत मजबूर करती, मैं 6 महीने भेजा। 7वें महीने में मैंने ड्राफ्ट लेके उसको भेजा और उसको पास ले लिए। जा देख यार तेरी लड़की मर जाएगी। टेप रिकॉर्ड से जरा बच्चे ने उसे लड़े, टेप रिकॉर्ड चोड़ा। कोई बात नहीं, वो मर गई। तुम समझ तो मेरी बात, ये मेरा पदम है। मैं जानता हूं कि मैंने इससे नहीं लेना, मैंने इसको देना है। अब क्या है, 1600 लेता है, ये नहीं कि वो देता नहीं, 200 रुपया मावार भेजता है वो, मगर मुझे जरूरत अपने लिए नहीं पड़ती। 17.5 मुझे पेंशन मिल जाती है। ये कटनी वाले बैठे हुए दुर्गादास है, मेरे खर्च का ये बंदोबस्त कर देते हैं, हालांकि वो मेरा ड्यूटीफुल सन है, मगर चूंकि पिछले जन्म के कर्म से मैंने उससे कमाई नहीं खानी। तो ये समझ करके मैं क्या कहना चाहता हूं, शांत रखा करो। हम लोग तरसते हैं बेफायदा, किसी भाई से हमने लेना है, किसी भाई से नहीं लेना। जिसका हमने देना है उसने ठग बन गया। तुम कहते हो ना, जिसने भी लिया तुमसे मार मार लिया। जिन्होंने पिछले जन्म का तुमने देना है वो देना है। नहीं समझ में आती है, मैं चाहता हूं तुम लोगों को जो सत्संग का मकसद है वो मिले। सत्संग का मकसद क्या है, तुमको शांति मिले, तुमको तस्कीन कलम मिले, तुम्हारी हाय हाय मैं जो तुम रोते पीटते रहते हो ये तुम्हारी खत्म हो, तुमको लाइन ऑफ एक्शन। इस वास्ते मैं वो सत्संग नहीं कराता जो दूसरे पंडित लोग कराते हैं, कृष्ण वाच, अर्जुन वाच, रामायण में ये लिखा है, ये किया है, वो किया है। तो हमको जो कुछ भी मिलता है हमारे कर्म का फल मिलता है। वो सत्संग से क्या मिलता है, समझ मिलती है, विवेक मिलता है, लाइन ऑफ एक्शन मिलता है, हमने कैसे करना है, कैसे जीना है, हमको शांति मिलनी चाहिए। समझ गया मेरी बात को, मैंने बहुत कुछ कह दिया आपको, आपके लिए। आपने मुझे कल कहा था ना कि मुझे फ्रेंड ने लूट लिया। कोई जिसने पिछले जन्म का तुमने देना है उसने ले लेना। किसी ने बीवी बन के लूट लेना है, किसी ने भाई बन के लूट लेना है, किसी ने चाचा बन के लूट लेना है। जितना देना लेना है वो भुगतान किए बगैर भुगतेगा नहीं। इस वास्ते सबर और शांति से काम करो, अपने आप को बचा के रखो। मेरी समझ में आती, तुम्हारी तुम आए हो ना, तेरे घर का नमक खाया, हलाल कर जाना चाहता हूँ। तेरे घर का नमक खाया है, रोटियां खाई हैं, उसको हलाल कर जाना चाहता हूँ। जो कुछ मेरे पास है दोस्तों मैं वो दे सकता हूँ, सच्ची बात है। मेरे पास है ज्ञान, मेरे पास है अनुभव, मेरे पास है मेरी जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। जितना जितना जिस जिसका देना है, और मेरे भाई है छोटा, उसने लड़कों से नहीं लेना, कम है, अब उसका कसूर है नहीं। जब उसकी शादी हुई विजेंद्र की मां के साथ हुई,
तो उसके टेबे में लिखा हुआ था इसकी औलाद नहीं होगी सुंदरनाथ, अगर हो भी गई तो पेट में मर जाएगी, अगर बचे भी तो 6-7 साल से पहले मर जाएंगे, इसको औलाद का थोप नहीं। ये उसके मेरे भाई के टेबे में लिखा हुआ। अब उसको उस वक्त फिक्र था मेरे औलाद नहीं होगी, तो मुझे कहा करता था प्रेम प्यारी को मुझे दे दो। मैं बात कहता, इसकी जो माँ थी गजेंद्र की, हाथ उसकी याद आती, वो पति के पास थी। इसकी माँ जो थी गजेंद्र की, वो राजवर्ती, वो पति बता इसकी थी। उसके भाग का सुख था, उसके भाग का सुख था। बाद वक्त फकीर की दुआ काम कर जाती। एक वाक्य मुझको याद है, मैं परसोत्तम दास मनसाराम तीनों ड्रग हाउस में रहते थे बगदाद में, तो ये राजवती बोला नहीं करती थी। मैं देख था ना, तो ये 9 बजे हमको दूध दिया करती थी, दूध। हम सत्संग करके मैं भी सो गया, परसोत्तम दास भी सो गया, मनसाराम भी सो गया, हम तीनों सो गए। अब ये बेचारी दूध लेके वहां ड्रग हाउस में बीच में पिलर था उसके पास खड़ी हो गई। 11:30 बज गए, 2.5 घंटे वहां ये खड़ी रही। और इसकी याद आती तो जब परसोत्तम दास की आंख खुली तो उसने एक आदमी की शक्ल देखी, वो कहता चोर होए, भाई चोर है। मेरी भी आंख खुली तो लाजवती खंगी, क्योंकि ना मेरे साथ बोलती थी ना परसोत्तम दास के साथ बोलती थी, मैं गेट था ना। परसोत्तम दास मेरे साथ लड़ पड़ा कि आप देखो इसको इतनी तकलीफ हुई। मैंने उठा, मैंने लाजवती को गोद में ले लिया। उस वक्त का मैं अपना जज्बा बताता हूं। मैंने कहा बेटी तू औलाद के लिए कहती है बथेरी होगी, मुझे याद है। उसके 4 लड़के 2 लड़कियां राज भोग के चली गई। मगर कर्म का चक्र मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी आदमी से तुमको तकलीफ है, कोई दुख है रिश्तेदार से, तो हाय हाय करने से कुछ नहीं बनेगा। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से किसी से हमें सुख मिलता है, किसी से हमें दुख मिलता है। नहीं समझ में आती है तो मैं सत्संग करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं, क्यों सत्संग करा रहा हूं, सो दैट यू मे हैव पीस, तुमको शांति मिले, तुम्हारी भटकना दूर हो। हाय हाय जो करते रहते हो, हाय ये नहीं, हाय ये नहीं, हाय ये, समझते लुड़िंदा मल मेरी बात को, यहां नहीं है, सुनते हो ना। सत्संग करा रहा हूं ताकि तुम लोगों को पीस ऑफ माइंड मिले। अगर किसी गुरु की संगत से, किसी महापुरुष की सोसाइटी से तुमको पीस नहीं मिलती, तुमको सीधा रास्ता नहीं मिलता, तुमको तस्कीन कलब नहीं मिलती, तो क्या फायदा ऐसे सत्संग में जाने का। समझ गए क्या वक्त हो गया? समझ को पूरा कर दो बस, कभी बात बहुत कुछ कह दिया मैंने, आपके मतलब की चीजें कह दी। हाँ जी, सत्संग तीर्थ राज प्रयाग, सत्संग गंगा भगती वह निर्मल धारा, गंगा भगती वह निर्मल धारा, सरस्वती ज्ञान बेरा सरस्वती ज्ञान बैराग, जमुना करम धर्म ब्योहारा, जमुना करम धर्म
घट बेटे वासे एक पद दृढ़ता घट बेटे वासे इस पद दृढ़ता गुर पद पूरण राग गुर पद पूरण राग तीन त्रिवेणी करे अजनाना तीन त्रिवेणी करे अजनाना जागे सोया भाग जागे सोया भाग सत्संग तीर्थ राज प्रयोग यह है सत्संग की मैना बट विश्वास गुरु पद से अनुराग गुरु पद के मैंने ये पैर नहीं है दुनिया भूली हुई है अगर इन पैरों को धो के पीने से ही दुनिया में तर जाते तो दुनिया तर जाती पद कहते हैं जिस तरह डिप्टी कमिश्नर का पद पद कहते हैं पोजीशन को स्थान को गुरु नाम है ज्ञान का गुरु नाम है समझ का जो समझ तुमको सत्संग से मिलती है उसके साथ राग करो राग के मैंने उसके साथ उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो तब तुम्हारा काम बन जाएगा नहीं समझ में आती है और अगर सिर्फ बाबे फकीर के पैर धो दो गई पीते रहो समझे ना और चार चार सब्जियां बना के उसे खुलाते रहो गले में फूलों के हार डालते रहो पैसे देते रहो तो तुमको मन की शांति नहीं मिलेगी एक जज्बाती आनंद मिलेगा क्यों कह रहा हूं मैंने आरती की है गुरु महाराज सोने के ताज चांदी के हुक्के संदल के सिंहासन तुम समझ तो मेरा मतलब नहीं मैंने ये काम किया हुआ है उस काम से मुझे क्या मिला आनंद ही मिला शांति नहीं मिली ऐ सत्संगियों मुझको शांति आप लोगों से मिली इसलिए मैं गुरु आप लोगों को मानता हूं क्योंकि मैं था इमोशनल जानते हो ना जज्बाती आदमी था सिर्फ प्रेम करना जानता था जो कुछ दाता मुझे कहा करते थे उसकी मुझे समझ नहीं आती थी तो वो कहा करते थे कर सत्संग विवेक के साथ तेरे सिर पर रहे गुरु हाथ वो कहा करते सत्संग विवेक से कर मगर मैं विवेक कहाँ जानता था मैं तो जज्बाती का नहीं समझ में आती प्रेम करना ही जानता था नहीं समझ में आती है जो वो कहते थे उसकी समझ नहीं थी जिस तरह एक भगत आदमी प्रेम करता है ना जिस तरह तुम्हारी लक्ष्मी है मेरी बहू है ना इसमें इमोशन है भक्ति का जज्बा है नहीं समझ में आती है ना मैं इसको प्यार करता हूं अगर ये मेरा सत्संग दो चार पांच सुन जाए नहीं समझ में आती है तो इसकी होश ठिकाने आ जाए इसको करेक्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ आ जाए बात आपकी समझ में आती है ना सत्संग की बड़ी महिमा है बहुत महिमा है बशर्ते कि कोई सत्संग कराने वाला हो तो गुरु पद के मैंने क्या है जो समझ तुमको सत्संग से मिलती है वो मगर एक बात सुनना हर एक आदमी इस समझ को हासिल नहीं कर सकता ये है डिवेलपमेंट ऑफ ब्रेन हर एक आदमी में वक्त लगता है मैंने आपको मिसाल दिया करता हूं मेरे पोता हुआ लड़ाई मुझे बात हमेशा मसाल देता हूं तो शाम को मेरा लड़का अपनी बहू को अपनी वाइफ को मैं अस्पताल में छोड़ आया तो उसकी लड़की है राणो वो भी साथ थी जब सुबह गई तो आगे काका हुआ था तो राणो पूछते मम्मी 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 कहां से आया तो वो उसको कहती है बाबा ने होशियारपुर से भेजा अब तुम सोचो उस लड़की को सवाय इस जवाब के और कोई वे ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं था क्योंकि उस लड़की का ब्रेन इतना डिवेलप नहीं था कि वो उसको ये पता लगता कि
बच्चा कहां से आया। इसी तरह कई जीव ऐसे हैं जिनके ब्रेन डिवेलप नहीं हुए हुए, नहीं समझ में आती है ना, उनको तुम लाभ समझाओ भी तो वो समझ नहीं सकते। इसलिए गुरु लोग जो हैं वो इंतजार करते हैं, वेट करते हैं डिवेलपमेंट ब्रेन करने के लिए। इस वास्ते कछुक दिना कीजिए सत्संगा, मेरा जो सत्संग है ये हाईएस्ट है। आई एम नॉट मेंट फॉर यानी चिल्ड्रेन, नहीं समझ में आते, छोटे बच्चों के लिए मेरा सत्संग नहीं है ना, मैं उनको तरफ तवज्जो दिया, हर एक लाइन का मिशन होता है, समझ गए। तो गुरु पद है समझ, विवेक और ज्ञान। नहीं समझ में आती है आगे सत्संग करने से क्या होता है, मन निर्मल हो जाता है। मन के ऊपर जो गलत ख्यालात, जो रॉन्ग वे चिंता के गलत ख्यालात हैं वो धुल जाते हैं, मन को शांति मिल जाती है और फिर कलिमल के दाग करते हैं। कलिमल क्या है, कलयुग क्या है, कलयुग में अकल बढ़ जाती है, इंटेलेक्ट बढ़ जाती है और सबसे ज्यादा दुख हमारी अकल का बढ़ जाना है, यही हमको बुद्धि अशांत करती रहती है। तो उससे